आज हम बनाएंगे स्पागेटी कासियो पेपे। देखिए स्पागेटी कासियो पेपे जो वर्ड्स है ये इटालियन वर्ड्स है, मतलब चीज और पेपर को बोलते हैं कासियो पेपे। इसमें कई सारा चीज़ें मिलाकर मैं आज आपको बना के दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसान पास्ता है और इटालियन का चलता फिरता पास्ता है। मेरा पानी गर्म है। पास्ता बॉयल करने से पहले मैंने पहले ही बताया आपको थोड़ी सी नमक डालना है और थोड़ी सी आपको ऑयल डालना है पानी में। फिर आपको पास्ता बॉयल करना है। आल दंते 9 मिनट में बॉयल होता है, फुल दंते आप अपने हिसाब से बॉयल कर लीजिएगा 13 मिनट 14 मिनट। तो ठीक है, तो आज ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं पास्ता बनाने के लिए। बनाने से पहले आप सबका स्वागत है शेफ तमान कुकिंग शो में। मैं हूँ शेफ तमान, ये तो बोलना ही पड़ेगा। ये गया पास्ता पानी में। स्पेगेटी पास्ता जब हम बॉईल करते हैं क्या होता है ना, ऐसे डालते हैं ना पानी में तो पूरा जाते नहीं, घबराइए नहीं। वहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, अपने आप धीरे धीरे अंदर चला जाता है। जैसे मैंने दिखाया, देखिए अभी सारे के सारे पानी में चला गया है। कहते हैं कि इटालियन का डिश बनाने, मतलब इटालियन खाना बनाने में बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। जैसे मैं आज बना रहा हूँ स्पेगेटी कासियो पेपे, पहले भी बताया मैंने। अब कासियो पेपे नाम सुनने में बहुत अजीब टाइप का लगता है, मतलब बहुत भयंकर लगता है, लेकिन भयंकर नहीं है, बहुत इजी है। दो तीन चीज़ें देकर बनता है। तो चलिए बनाते हैं। इस पास्ता में सनराइज टमाटर भी जाएगा, तो रेडीमेड सनराइज टमाटर मार्केट से ले लीजिएगा आप। ये जो है सनराइज टमाटर, इसमें 3-4 पीस सनराइज टमाटर हम डालेंगे। छोटा हिस्सा से परमेसन चीज ग्रेट कर दीजिएगा, तरह से ग्रेट कर दीजिएगा। अब एक बॉल लेना है आपको। बॉल लेने के बाद में ये देखिए मैंने जो परमेसन चीज ग्रेट करके रखा था इतना सा, एक छोटा कटोरी से थोड़ा कम एक बॉल ये डालना है आपको। माहिमा का रिकोटा चीज, फ्रेश रिकोटा चीज है, ये लगेगा आपको, एक चम्मच डालना पड़ेगा। आप देख रहे हैं माहिमा का क्रीम चीज भी एक चम्मच से थोड़ी सी इस तरीके से डाल दीजिए, थोड़ी ज़्यादा लगेगा। ये जो पास्ता है चीज़ के ऊपर में सब खेले, देखिए तीन टाइप का चीज़ डाल दी है, टेरिकोटा चीज़, क्रीम चीज़ और परमेसन चीज़। अब ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, पास्ता बॉयल करके जो पानी निकला था उस पानी को थोड़ी सी पानी यहाँ पर हम डालेंगे, मिला देंगे हम। सॉल्ट स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा, क्रश पेपर डाल दीजिएगा। अब ये जो हमने सनराइज टमाटर काट के रखा था उसको भी डालना है यहाँ पर। थोड़ी सी हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे 2 चम्मच जैसा। अब बारी आता है फ्रेश बेसिल का। फ्रेश बेसिल लीव डालेंगे, मीठा वाला बेसिल लीव तोड़कर मिलाना है आपको। अब ये लीजिए, ये बन गया है चीजी। इसको आप चीजी पास्ता भी नाम दे सकते हैं, इटालियन का नाम है कासियो पेपे, आप अपना चीजी पास्ता नाम दे सकते हैं सनराइज टमाटर के साथ में। पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये टेक्निक जरूर सीख लीजिएगा, इसको निकाल के साइड में रखेंगे। अब हम नॉनस्टिक पैन रखेंगे, नॉनस्टिक पैन को थोड़ी सी गर्म करना है। यहाँ पे जो हमने पास्ता बॉईल किया था उसको यहाँ पे डालना है। ये हमने पास्ता डाल दी, थोड़ी सी पानी ऐड करना है यहाँ पर थोड़ी। अब आपको थोड़ी सी नमक डालना है, थोड़ी सी पेपर और थोड़ी सी ऑलिव ऑयल। अब ये गर्मा गर्म पास्ता भी रेडी है, पास्ता का सॉस भी रेडी है, चीजी सॉस। अब ये क्या करना है आपको, ये जो पास्ता हमने बॉईल किया था यहाँ पे डालना है जल्दी जल्दी, और गर्म गर्म सर्व करना है आपको। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है यहाँ स्पेगेटी को। अब देखिए सारे के सारे मैंने मिक्स कर दी है, हमारा पास्ता भी बिल्कुल गर्म है। अब यहाँ हम एक प्लेट लेंगे और पास्ता को प्लेटिंग करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी परमेसन चीज डालना है। गार्निश के लिए सनराइज टमाटो। आसान से बन गया ना स्पेगेटी कासियो पेपे।